हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार पर रेलवे की पल पल की अपडेटें मिलती रहती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे के संबंधित न्यू अपडेटें, न्यू वेटिंग लिस्ट, न्यू रिजल्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा RRB पैरा मेडिकल भर्ती परीक्षा 2019, जिसका CN नंबर होगा 2019। तो दोस्तों, JEE वेटिंग लिस्ट भी आई थी अभी एक दो दिन पहले, और उसी के साथ एक प्रोविजनल पैनल जारी किया है। रेलवे ने जारी किया पैरामेडिकल भर्ती का प्रोविजनल पैनल जारी, यानी रेलवे ने जारी कर दिया है पैरामेडिकल भर्ती का प्रोविजनल पैनल जारी, यानी वेटिंग लिस्ट क्लियर की है। दोस्तों, प्रोविजनल पैनल बोल सकते हैं उसे, पैरामेडिकल से है, और ये आपको ऑफिशियली नोटिस देख रहे हो, आप ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है, जिसका आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ ये पैरामेडिकल में जो आपको मैं बता दूं, पोस्ट आती हैं आपकी जो कि मेडिकल विभाग से संबंधित होती हैं या फायर विभाग से संबंधित होती हैं, उन्हें ही पैरामेडिकल विभाग कहते हैं, यानी नॉन टेक्निकल विभाग में संबंधित होती हैं ये। और दोस्तों, इसमें स्टाफ नर्स आदि की वेटिंग लिस्ट क्लियर की है, और ये आपको कौन से बोर्ड ने क्लियर किया ये भी मैं आपको इसमें पूरा स्पष्ट रूप से बता दूंगा। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखते हैं कौन से बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट क्लियर की है और किस तरीके से कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई हैं। वेटिंग लिस्ट एक या दो भी क्लियर हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होना यानी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, तो ये पैरामेडिकल विभाग से देख लेते हैं, वेटिंग लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके प्रोविजनल पार्ट पैनल CN नंबर 2/2019, यानी ये है CN नंबर 2/2019 से, और जो ये पैनल निकल गया है 18/1/2022, यानी अभी इसी महीने में निकल गया है 18/1/2022 में, और इसमें लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर, यानी कहाँ से आया आपका ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, बेंगलोर से आया। दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है बेंगलोर से है PA, और इसका ये है पैरामेडिकल कैटेगरी पोस्ट से है, किससे है, पैरामेडिकल कैटेगरी पोस्ट से प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 पैनल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको देखा गया है, और इसी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट बेंगलोर, ये सब कुछ आपको दिया गया है पहले से ही। और इसी के साथ दोस्तों, ये DB के लिए, मेडिकल के लिए फ्रॉम अंगलोंग वन कैंडिडेट लिस्टेड पैरामेडिकल चीफ ऑफिसर पर्सनल द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें दोस्तों कैटेगरी नंबर 2 से स्टाफ नर्स, यानी एक कैंडिडेट लिया गया है रेलवे में स्टाफ नर्स से, और जिसका रोल नंबर आपको दिखा गया है स्क्रीन पर, और ये लिखा है टोटल ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल एम्प्लॉयड 1, यानी अभी इसको प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और इसके सिग्नेचर फ़ोटो आदि इसके मैच होंगे। तो दोस्तों, ये एक बंदे को लिया गया है, एक बंदे की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, और ये आप इसमें लिखा गया है प्रोविजनल पैनल डूज नॉट एनी वे अपॉइंटमेंट द इन द रेलवे, यानी अभी इसे प्रोविजनल रूप से रखा गया है, ना कि इसे फाइनली जॉब मिल चुकी है रेलवे में। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा इनके लिए चांस था, और देख लेते हैं। इसी के साथ एक और प्रोविजनल पैनल जारी किया है, वो भी RRB बेंगलोर का ही है, वो भी पैरामेडिकल विभाग से संबंधित है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो दोस्तों, आपको दिया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर, और CN नंबर 2/2019, यानी पैरामेडिकल कैटेगरी से संबंधित है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टली फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफाई मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी इनको डॉक्यूमेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, वेस्ट कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम्स जो इनका लगा था, वो CBT 1 का जो हुई, इस बारे में ये दिया गया है पूरा। और इसी के साथ दोस्तों, इसमें आपको DB आल्सो 50% एडिशनल कैंडिडेट लिए गए थे, उसी के साथ ये एक पैरामेडिकल से एक आपको प्रोविजनल पैनल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यानी वेटिंग लिस्ट क्लियर की है, इसमें भी आपको वही है, 2 कैंडिडेटों को लिया गया है इस कैटेगरी नंबर 2 से स्टाफ नर्स, टोटल कैंडिडेट 2 हैं, 1 और 2। द टोटल कैंडिडेट शॉर्टली DB एंड मेडिकल के लिए लिए गए हैं, अभी इनका DB मेडिकल होगा, और वो जो मैंने बताया पहले वो प्रोविजनली था, यानी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना है, बाकी सब कुछ हो गया है। और इसी के साथ ये 19/1/2022 में ये लेटर निकला है दोस्तों, यानी कल परसों निकला है। इसी के साथ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा मैंने दो आपको अपडेट दे दी हैं दो न्यूज़ों के बारे में। इसी के साथ दोस्तों, मैं वीडियो यहीं अंत करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेके, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।